तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नूर में CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। हादसे में सिर्फ वरुण सिंह ही अकेले बचे थे। बुधवार को वे जिंदगी की जंग हार गए। भारतीय एयरफोर्स ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी कि वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। ये वो इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट है। इंडियन एयरफोर्स इज डीपली सैडेंड टू इन्फॉर्म, ये बताते हुए, ये जानकारी देते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र बचे वरुण सिंह भी अब हमारे बीच नहीं रहे। देवैया के रहने वाले थे शहीद वरुण सिंह। उनका किस तरह का पूरा सफर रहा वो अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। सेना से रिटायर हैं वरुण सिंह के पिता कर्नल KP सिंह। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर वरुण सिंह तैनात थे। CDS बिपिन रावत के साथ उस हेलीकॉप्टर पर सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हमारे साथ देवरिया से हमारे संवाददाता सुदामा और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सुदामा, क्या जानकारी मिल पा रही है देवरिया में? जाहिर तौर पर जहां एक तरफ शोक होगा तो वहीं दूसरी तरफ गौरवान्वित भी वो महसूस कर रहे होंगे कि उनका बेटा, देश का जाबाज, अपने अंतिम समय तक भारत माँ की सेवा में लगा रहा और अंत में वो शहीद हो गया। और पार्थिव शरीर कब तक वहां देवरिया पहुंचेगा, उनके गांव पहुंचेगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? सिंपली मैं बता दूं, यहाँ पे मैं उनके पैतृक निवास स्थान पे इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और उनके हमारे बगल में एक उनके ही पड़ोस के चाचा हैं जो उनका ये कहना है कि अभी तक तो बॉडी बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में ही है और अभी तक एक घंटे के बाद डिटेल मिल पाएगा कि आखिर में इनका पार्थिव शरीर आना है कि नहीं आना है। आइए उनसे हम लोग पूछते हैं, वो पुख्ता जानकारी वही देंगे। जी, ये क्या नाम है आपका? राम प्रताप सिंह मेरा नाम है। जी, ये बताएं आप, जैसे क्या अपडेट है वरुण? अपडेट ये है कि अभी जो है वो वही बेंगलोर में डेड बॉडी है। अभी हो सकता है संभव तो दिल्ली ले जाएं लोग, वहाँ संभव नहीं होगी, फिर जो है यहाँ आने की उम्मीद है। शिल्पी, मैं ये बता दूं आपको कि इनका कहना है कि अभी तक, हाँ, इनका कहना है कि अभी तक अपडेट नहीं आया है। और हाँ, उनका जो पार्थिव शरीर अभी इस समय सैन्य अस्पताल में ही पड़ा हुआ है, मतलब रखा गया है, और हो सके तो उनका जो शव है, बॉडी है, उनको दिल्ली ले जाके श्रद्धांजलि के बाद अब क्या डिसाइड उनके जो परिजन है क्या करते हैं, उस हिसाब से अपडेट मिल पाएगा। एक घंटे के बाद ही पुख्ता अपडेट पता लग पाएगा, तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुदामा सिंह इस पूरी जानकारी की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.